बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर व्यूअर्स और हार्वर्ड एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए ये आज का मैं एक बड़ा ज़बरदस्त पैकेज लेके आ रहा हूँ और उसमें कई सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बताऊँगा और स्पेशली जो हमारे पहले कोर्सेज लोग ले चुके हैं उनके लिए ये ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित होगा। और दूसरे नंबर पे वो लोग जो फिनेंशियली जो प्रॉब्लम में हैं या कोई भी मतलब अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं अफोर्ड कर सकते तो उनके लिए ये जो हमारा एक सेशन है ये आप ए से लेके जी तक आप इसको देखें तो आपको काफ़ी सारा इससे इस्तफादा आप हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को आइडिया भी है आजकल जितनी भी कोर्सेज होते हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जितनी भी कोई जॉब्स आती हैं तो जब तक आप एक अच्छी तैयारी नहीं करते किसी एक जॉब के लिए तो आपका मेरिट पे आना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरिट पे वही लोग आते हैं जिनको अवेयरनेस होती है कि सिलेबस कौन सा होगा, टेस्ट कहाँ से आएगा, टेस्ट को वेल प्रिपेयर करते हैं जैसे एक एकेडमिक क्लास की तैयारी की जाती है, वही क्वालिफाई करते हैं, वही उनकी अल्टीमेटली सिलेक्शन होती है। तो कुछ होते हैं मेरी तरह के कि हम बस खुद ही कर लेंगे, आज नहीं कल से तैयारी शुरू करते हैं, तो इस चक्कर में जो एग्ज़ाम का टाइम आ जाता है और तैयारी अल्टीमेटली नहीं होती और हर आने वाले टेस्ट होता है उसमें इसी तरीके से टाइम गुजर जाता है और पता नहीं चलता। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो ये हमारा जो फोरम था इसका मेन मकसद क्या था कि हर एक मेल हो या फीमेल हो जो जिनके पास टाइम नहीं है, फिनेंशियली कंसंट्रेंट हैं, उनको इजी एक्सेस देना, उनको अच्छी तैयारी करवाना और उनके जितने प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए उनके लिए एक फोरम मुहैया करना और जितना हो सकता है एक इंसान के पास में उतनी मैं आप लोगों के लिए एफ़र्ट करता रहा हूँ और इंशाल्लाह इससे आगे चल के हम और भी ज़्यादा एफ़र्ट करेंगे। और हार्वर्ड एकेडमी का चूँकि अब पहला साल कम्प्लीट हो रहा है तो मैंने ये आप लोगों को सोचा कि हमारी वेबसाइट की भी एक तो एक्सेस होनी चाहिए, प्रमोशन होनी चाहिए दूसरों तक और पहले जो मेंबर्स हैं या जो हमारे इन कॉन्टैक्ट स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा भी इससे होना चाहिए ताकि हम अपने आप को भी प्रमोट करें और आप लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ उसमें बेहतर ऑफ़र हम कर सकें। तो एक पैकेज हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से, रेफरेंशियल प्लान। रेफरेंशियल प्लान का मतलब ये है कि जो हमारे हार्वर्ड एकेडमी के पहले स्टूडेंट्स हैं जो एक दफ़ा भी रजिस्टर हो चुके हैं वो इस प्लान में जो है वो हिस्सा ले सकते हैं। रेफरेंशियल प्लान यानी कि रेफरेंस के थ्रू आपने क्रेडिट लेना है। वो कैसे कि लेट्स सपोज आपने पहले रजिस्टर्ड हैं और इस प्लान में शामिल होना चाहते हैं तो आपको पहले मेरे से एक कोड लेना पड़ेगा। वो कोड सबसे पहले क्या है, आपने रजिस्टर होना है सिंपल, बिल्कुल इस पर कोई कास्ट वास्ट नहीं है, सिंपल आपने एक कोड लेना है। कोड मुझसे एक सीक्वेंस वाइज मैं हर एक को इशू करूँगा तो कोड जो आपका होगा यूनिक होगा। आपने क्या करना है, आप हार्वर्ड एकेडमी के बारे में दूसरे स्टूडेंट्स को बताएंगे या कोई जॉब की तैयारी करना चाहता है जो ऑनलाइन आई काम बी काम एफ ए बी ए करना चाहता है उसको आप रेफ़र करेंगे हमारी तरफ और अपना कोड उसको कहेंगे कि मेरा कोड आपने बताना है। उस कोड के बताने पे क्या होगा कि जो रेफरेंस दे रहा है उसको एक स्टेरिक मिलेगा और एक स्टेरिक जो है आपने इकट्ठे करने हैं और एक स्टेरिक की जो फीस में कंसेशन होगी वो 500 होगी। अब लेट्स सपोज अगर किसी एक कोर्स की फ़ीस है सीएसएस की बात करें तो उसकी जो है 5000 फीस है तो अगर लेट्स सपोज वो 10 स्टार इकट्ठे कर लेता है तो उसकी टोटल फ़ीस एक्सक्यूज़ हो जाएगी और अगर उसके पास एक्स्ट्रा स्टार आ जाते हैं 15 आ जाते हैं और वो एक कोर्स लेता है यानी कि सीएसएस तो उसके जो है 5000 के स्टार कट जाएंगे, बाकी रह जाएंगे 5 स्टार और 5 स्टार जो उसका होगा हर एक 500 का है तो उसके पास 2500 के क्रेडिट आ जाएंगे, मतलब वो नेक्स्ट कोई भी कोर्स 2500 का ले सकता है। तो इस तरीके से आप जो है हमारी वेबसाइट का रेफरेंस अपने कोड के ज़रिए दूसरों तक पहुंचा कर अपना भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और हमारी एकेडमी जो है हमारा जो फोरम है उससे दूसरे लोगों का भी फ़ायदा है और इसमें विन विन है। लास्ट किसी के नहीं है, हमने कंसेशन एक्सटेंड करनी है तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको कास्ट उसकी या दूसरे आने वाले नए स्टूडेंट को कास्ट उसकी पड़ रही है। फ़ायदा उसको ये है कि उसको पहले अवेयरनेस नहीं थी, पता नहीं था, आपने उसको बताया उसका भी फ़ायदा हुआ, आपको क्या फ़ायदा मिला, आपको स्टार मिले, आप फीस में कंसेशन आपकी बढ़ती जाएगी।
ये तो हो गया कि जो ऑलरेडी हार्वर्ड एकेडमी से पहले कोई भी कोर्स ले चुके हैं, भले वो कम से कम फीस वाला या ज़्यादा से ज़्यादा फीस वाला, किसी भी तरीके से वो रेफरेंस कोड ले सकते हैं। अगर कोई ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले उसको कोई ना कोई कोर्स लेना पड़ेगा, फिर जब कोर्स ले लेगा उसके बाद वो रेफरेंस वाला ऑफ़र लेके दूसरों को रेफ़र कर सकता है और उस तरीके से रजिस्टर हो सकता है। अच्छा, ये तो था ओल्ड मेंबर्स के लिए पैकेज। अब जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं हमारी, जितनी भी अब मैं जो 2021 के लिए फ़ीस की कंसेशन, ये जो आज 27 दिसंबर है, आप हो सकता है आप लेट फीस लेट जो है कल देखते हैं परसों देखते हैं, 31 दिसंबर जो है हमारी लास्ट डेट होगी इस जो मैं एक पैकेज आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। तो 31 दिसंबर तक अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, नॉमिनेट करना चाहते हैं, अभी आप कोई भी तैयारी नहीं कर रहे, तो एडवांस में जो हमारे कंसेशन पैकेज है उसमें कुछ अपने आप को आप रिज़र्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये नहीं होगा कि सिर्फ रिज़र्वेशन नहीं होगी बल्कि आपको फ़ी डिपॉज़िट करनी पड़ेगी और बहुत कम होगी, आप नेक्स्ट उसमें कोर्स ले सकते हैं। तो जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं वो जो हम अभी प्लान ऑफ़र कर रहे हैं उसमें से भी 500 लेस वो फ़ी पे करेंगे, यानी कि हमने बहुत एक अच्छा पैकेज दिया फ़ी कम करके। अब अगर कोई ओल्ड मेंबर है उसमें मज़ीद वो आता है नए कोर्स में किसी में भी, तो उसको मज़ीद 500 लेस होगा। और एक और बात बता दूं, इस पीरियड में तो हमने काफ़ी कई सारे जो फिनेंशियली डिज़र्विंग थे या उनको कंसेशन की थी, नेक्स्ट हो सकता है कि फ़ी एक फ़िक्स्ड हो, उसमें कंसेशन का जो हमारा एक हर दफ़ा हम प्लान देते हैं ताकि दूसरों को, तो उसमें कम से कम गुंजाइश होगी क्योंकि फ़ी ही ऑलरेडी बहुत रिजनेबल। अच्छा, उसके बाद है हमारा जो एनुअल मेम्बरशिप प्लान था, पहले था कि एक आप, और इसमें CSS इंक्लूड नहीं है, मैं आपको ये एक बात बता दूं कि CSS मेंबरशिप जो है एनुअल मेंबरशिप प्लान में नहीं है। अगर पहले कोई प्लान लेना चाहता था पूरा साल फीस एक दफ़ा पे करे और जितने भी कोर्सेज FPSC, NTSC, NTS, PPSC किसी के भी आते हैं तो वो उसमें ज्वाइन कर सकता था, उसके 15,000 फीस थी। अब मैंने जो है 31 दिसंबर तक अगर कोई उसको एनुअल मेंबरशिप का पैकेज लेना चाहता है सिवाय CSS के, तो वो 8,000 जस्ट पे करेगा, तो पूरा साल जितने भी कोर्सेज कोई आते हैं वो उस हर आने वाले कोर्स में रजिस्टर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसको कोई एक्स्ट्रा फ़ी नहीं पे करनी पड़ेगी, वंस उसकी ID बनेगी और पूरा साल चलती जाएगी, और ये 8,000 फ़ी तक है। अच्छा, उसके बाद लाइफ टाइम जो हमारा प्लान था वो पहले था 25,000, अब ये 20,000। अब मैं पिछले प्लान की बात करूं तो अगर इसमें कोई इंस्टॉलमेंट में करना चाहता है तो उसके लिए दो होंगी, पहली इंस्टॉलमेंट में उसको पे करना पड़ेगा 5,000 और आने वाले नेक्स्ट मंथ में उसको 3,000 पे करना पड़ेगा। अगर लेट्स सपोज वो नहीं पे करता तो उसकी मेंबरशिप ऑटोमेटिकली जो है वो डीएक्टिव हो जाएगी और फिर वो जो है इस तरह की कोई भी उसकी रिजर्वेशन जो है, या फिर थोड़ा सा वो अगर टाइम लेना चाहता है 10-15 दिन का तो टाइम तो उसको एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन ये है कि 5,000 उसको पहली इंस्टॉलमेंट और दूसरी इंस्टॉलमेंट में 3,000 पे करके वो एनुअल प्लान भी ले सकता है। अच्छा, दूसरा उसके बाद टाइम जो लाइफ टाइम प्लान है इसमें ये होगा कि इसमें तीन ऑफर आएंगी, 1, 2 और 3। इस तरीके से पहले में वो 10,000 पे करेगा और नेक्स्ट दो में 5,000 पे कर सकता है। ये उनके लिए जो मतलब कि एक ही दम फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन वो चाहते हैं कि हम एक ही दफ़ा फ़ीस दे दें, जब तक हमारी जॉब नहीं हो जाती हम तैयारी करते रहें और इस फोरम से हम फ़ायदा उठाते रहें। किसी भी कोर्स के लिए आपको बार बार ये ज़्यादा जो है वो ना कॉस्टली पड़ेगा, कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाएगा। अच्छा, ये तो लाइफ टाइम प्लान था। उसके बाद CSS 2021 में अगर कोई रजिस्टर होना चाहता है तो हमारी पिछले सेशन में फ़ीस थी 5,000 टोटल जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए, लेकिन अब इस दफ़ा अगर आप 31 दिसंबर तक इस आने वाले, और पिछला हमारा था मतलब हमने मई जून से शुरू किया था तो तकरीबन 7-8 महीनों के बेस पे वो 5,000 फ़ीस थी। अब अगर कोई शुरू में जनवरी से या अभी एडमिशन लेता है और नेक्स्ट 2021 के फरवरी तक जब CSS के एग्ज़ाम नहीं हो जाते वो मेंबर रहेगा एक साल से ज़्यादा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ CSS 2021 के लिए होगा, और उसकी फ़ीस है अभी 31 दिसंबर तक 4,000 और जनवरी में जाके ये ज़्यादा भी हो जाएगी 5,000। तो पिछले हमने 8 महीने के लिए चार्ज की थी, जब पूरे साल के लिए हम ये इस दफ़ा 5,000 नहीं बल्कि 6,000 या 7,000 इस तरह कुछ होगी, लेकिन अभी जो है 31 दिसंबर तक अगर कोई CSS 2021 में रजिस्टर होता है तो
4000 उसकी फ़ी उसको पे करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर कोई सीएसएस के ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लेना चाहता है तो ऑप्शनल आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं कि हम कौन कौन से ऑफ़र करेंगे या कौन कौन से ऑफ़र कर रहे हैं। तो उसमें सीएसएस की जो फ़ीस के साथ साथ आपको जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है उसकी पर सब्जेक्ट 2000 के बजाय 1500 पे करनी पड़ेगी अगर आप अभी उसको अवेल करना चाहते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई भी लेना चाहते हैं। तो ये थी ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में कंसेशन का प्लान। इसके अलावा जो सीएसएस 2021 कंपलसरी ऑप्शनल सब्जेक्ट जितने भी थे, अगर कोई लेना चाहता है सीएसएस के कंपलसरी भी और ऑप्शनल भी, तो उसको टोटल 8000 फ़ी पे करनी पड़ेगी सीएसएस के पूरे कोर्स के लिए, मतलब जो हम सब्जेक्ट ऑफ़र करेंगे। अब उसकी शर्त पे नहीं डिपेंड करता कि वो मैथमेटिक्स ले लेता है, तो अभी हम मैथमेटिक्स का कोई प्लान नहीं रखते कवर करने का। तो वो जितने कोर्सेज हमारे होंगे उनमें से वो ले सकता है जो हम ऑफ़र कर रहे होंगे, तो उसको सिर्फ और सिर्फ सीएसएस कंपलसरी प्लस जो ऑप्शनल जितने उसके सब्जेक्ट होंगे जो हमारे उसमें फाल करेंगे, तो उसकी टोटल फ़ीस होगी 8000, यानी कि सीएसएस के ऑल इन ऑल, मतलब विदाउट जो है उसमें सेग्रीगेशन किए। तो ऑप्शनल हमारे नॉर्मली जो है सोशियोलॉजी, जर्नलिज़म, पंजाबी, मर्केंटाइल लॉ, अकाउंटेंसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंडो पाक हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री, तो ये सब्जेक्ट हम ऑफ़र कर रहे होंगे। तो आप इनमें से अगर आपके एक ग्रुप बनता है तो आप उसमें से ले सकते हैं। इसके बाद है ऑल पोस्ट जो हैं बीपीएस 17 की, उनकी फ़ीस जो है पहले 4000 थी, अब अगर कोई दिसंबर 31 तक उसको कोई भी रिज़र्व करना चाहता है अपने आप को, 2500 उसकी फ़ी अगर वो डिपॉजिट कर दे तो उसके पास चांस हो जाएगा कि वो किसी भी टाइम साल में पूरे में जो बीपीएस 17 की कोई भी पोस्ट आती है और उसमें वो अप्लाई करता है तो वो उसके लिए ऑटोमेटिकली उसको उसमें रजिस्टर कर दिया जाएगा। अगर बीपीएस 16 का है तो नॉर्मल फ़ीस उसकी 3000 होती है, और अगर 31 दिसंबर तक कोई अपने आप को रजिस्टर करवाता है और अभी कोर्स नहीं लेता लेकिन आने वाले वक्त में वो कोई लेगा अपने आप को रिज़र्व करना चाहता है, तो 1500 पे उसकी सीट जो है वो रिज़र्व हो जाएगी। और इसके बाद जो ऑल पोस्ट हैं बीपीएस 1 से लेके 15 तक, उनकी जो फ़ीस है अभी भी वो रिज़र्व कोई कर सकता है, जैसे जूनियर ऑडिटर, डिप्टी अकाउंटेंट वगैरह के कोई गुजरी थी डिप्टी अकाउंटेंट, खैर 16 में तक कोई, और 16 से बिलो की जो होगी उसकी वो 1000 फीस पे डिपॉजिट करके वो अपने आप को रिज़र्व रख सकता है एक पोस्ट के लिए। अच्छा, और ये जो फ़ीस है 1000 ये एटलीस्ट है। अब अगर कोई उसमें सिवाय स्टेरिक वाला, यानी कि स्टेरिक के प्लान जो रेफरेंशियल प्लान है उसमें कोई आता है तो फ्री भी होगा, लेकिन अगर कोई ऑलरेडी मेंबर है वो कहता है कि जी मैं 1000 वाला कोई प्लान लेना चाहता हूँ, तो 1000 से कम नहीं होगी, क्योंकि ये मेयर सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेबसाइट की ये प्रमोशन के लिए हम ऑफ़र कर रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस से कम तक नहीं होगी। वो जो रेफरेंशियल प्लान वाले हैं वो उसमें फाल कर जाएंगे, वो ज़ीरो पे भी मेंबरशिप उनको मिल जाएगी, लेकिन बाकी जो फ़ी की, अगर सीनियर मेंबर कोई कहेगा कि मुझे कंसेशन है चाहिए इस 1000 वाले में, आप मेरी 500 कर दें, तो 500 नहीं होगी, उनको कम अज़ कम 1000 पे करना ही पड़ेगी। तो ये था मेरा जो हमने जो साल 2019 ख़त्म हो रहा है और 2021 के लिए, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं पुराने उनको भी फेवर दी जाए और एक हमारी जो एकेडमी है उसको भी प्रमोट करने के लिए हम एक प्लान हमने अनाउंस किया है, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारी एकेडमी का नाम है हार्वर्ड एकेडमी और हम तैयारी करवा रहे हैं सीएसएस की, इसके अलावा एफपीएससी, एनटीएस की जॉब्स जितनी भी आती हैं, और इसके अलावा आप जो है वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं www.harvardacademy.com, और सेल नंबर और व्हाट्सएप नंबर सेम है, ये गिवन है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मुझे दुआ में याद रखिए और इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।